नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शाह, अराउंड द वर्ल्ड इन वन मिनट। आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज मैं कौन से विषय की बात करने वाला हूं। अगर आपको फ्री में फुल बॉडी चेकअप कराना है तो किसी भी एयरपोर्ट पे जाके आप खांस सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग आपके पास आ जाएंगे और आपको हॉस्पिटल में ले जाएंगे, आपका पूरा फुल बॉडी स्कैन करेंगे और अगर कुछ नहीं मिला तो आपको रिलीव कर देंगे। वॉशिंगटन पोस्ट, जो एक पब्लिक डोमेन से अवेलेबल है, उन्होंने एक बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया है कोरोना के बारे में कि कोरोना कैसे फैलता है। तो आज मैं आपको बताने जाऊंगा कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। कुल मिला के चार सिचुएशन की हम बात करेंगे। एक पहली जो सिचुएशन है दैट इज फ्री फॉर ऑल, दूसरी जो है जिसको बोलते हैं अटेम्प्टेड क्वारंटाइन, जो इटली और चाइना वालों ने अभी करके रखा है, तीसरा है मॉडरेट सोशल डिस्टेंसिंग और चौथा है एक्सटेंसिव सोशल डिस्टेंसिंग। उस चारों में कैसे कैसे चेंज होता है, परिस्थिति में क्या बदलाव आता है। एक आदमी को ऑलरेडी कोरोना वायरस है तो वो दूसरों के साथ संसर्ग में आके कैसे वो फैलता है, वो हम बारी बारी चारों सिचुएशन में देखते हैं। पहली सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 200 लोगों का गांव, उसमें सिर्फ एक आदमी को कोरोना वायरस की इफेक्ट हुई है, तो आगे क्या होता है। यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे एक आदमी को, यहाँ रेड डॉट वाला आप देख सकते हो, वो धीरे धीरे करके कैसे फैलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विद इन नो टाइम ऑलमोस्ट 200 लोगों के बीच ये वायरस फैल जाता है। ये था फ्री फॉर ऑल। दूसरे सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं फोर्स क्वारंटाइन जो चाइना और इटली में चल रहा है। तो फोर्स क्वारंटाइन में यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों को अलग अलग रखा गया है, लेकिन धीरे धीरे सिर्फ एक पर्सन यहाँ से यहाँ चला जाता है तो आप देख सकते हो कि इमीडिएटली हेल्दी लोगों में से कैसे वो सिक लोगों में ट्रांसफर हो जाता है। ये रियलिटी में सही लग रहा है। अब तीसरी बात करते हैं, तीसरी बात थी सोशल डिस्टेंसिंग। ग्राफ में आप देख सकते हो कि सोशल डिस्टेंसिंग में हम कैसे ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगेन एक आदमी सिक है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, 2, 3, 4, 5, और जैसे हमने 200 लोगों की बात कर रहे हैं तो इमीडिएटली कैसे 200 लोगों में से ये चेंज हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हो हेल्थी लोग कम होते जा रहे हैं, सिक लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर रिकवरी का परसेंटेज देखिए तो वो भी बहुत कम जा रहा है। तो यहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग, इंडिया में सोशल डिस्टेंसिंग की भी ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया में फोर्थ सिचुएशन की, फोर्थ सिचुएशन के हिसाब से। यहाँ आप देख सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में इसकी ज़्यादा ज़रूरत है कि अलग अलग हम हो जाए, इसीलिए गुजरात में और इंडिया के सारे स्टेट्स में, बहुत सारे स्टेट्स में मॉल, सिनेमा हॉल, स्कूल सारे 2 वीक के लिए बंद किए गए हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग है तो ज़्यादातर सिक लोग कम हो जाएंगे, रिकवरी के चांसेस ज़्यादा है और हेल्दी लोग भी ज़्यादा बन सकते हैं। अभी एक जो थियरी मार्केट में चल रही है और मेरे ओपिनियन के हिसाब से चाइना ने ऑलरेडी एंटी वैक्सीन कोरोना की रस्सी ढूंढ निकाली है। कुछ फिगर्स के साथ देखते हैं। अभी तक देखा जाए तो चाइना में 80849 अफेक्टेड केसेस थे, उसमें 66931 रिकवर्ड हुए और उसका परसेंटेज है करीबन 93%। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो 1,71,000 अफेक्टेड केसेस है और उसमें से रिकवरी सिर्फ 20,520 की है, वो करीबन 12% है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि
अगर चाइना के पास ऑलरेडी एंटीवायरस रसी है, उन्होंने पहले ढूंढ निकाली है, उनके उसके बाद उन्होंने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये वायरस भेजा गया है उनके द्वारा, ऐसी एक थियरी चल रही है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द इनकी रसी ढूंढ निकाली जाएगी या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसके बारे में चाइना ने ऐसा क्यों किया, तो इस पर एक और ओपिनियन है कि स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, यूएसए और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था, तो ट्रेड वॉर में ज़्यादातर एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाते जा रहे थे। तो मीनवाइल ये कोरोना वायरस की वजह से आप देख सकते हैं लास्ट 15 दिन में स्टॉक मार्केट की क्या हालत हुई है। यूएसए देखा जाए तो करीबन 25% माइनस हुआ है, यूरोप देखा जाए तो करीबन 26% मार्केट गिरा है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एवरेज 27% गिरा है, इंक्लूडिंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह मान के। लेकिन चाइना वहाँ पे सिर्फ 2% माइनस हुआ है, क्योंकि उन्होंने स्टॉक मार्केट बंद कर दिया था, दूसरा उन्होंने अपनी करेंसी को फ्री फॉल की तरह नीचे जाने दिया, उन्होंने कोई कदम नहीं लिए, और उनके जो जीपिंग थे वो जितनी भी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे विथ स्माइल आते रहे, और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कोई भी करेक्शन के स्टेप नहीं लिए थे। लेकिन बाद में पता चला कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में शेयर मार्केट टूटा, उनकी जो भी कंपनी के शेयर गिरे उसमें ज़्यादातर चाइनीज़ लोगों ने, चाइनीज़ इन्वेस्टरों ने पूरे के पूरे शेयर खरीद लिए, बहुत लो प्राइस में थे, इट वॉज अ विंडफॉल, और अपना प्रभुत्व उन कंपनियों में बढ़ा दिया। तो ये भी एक हो सकता है, लेकिन मैं ये मानूंगा कि इंडिया के लिए अगले 1 से 3 वीक तक हमें सावधानी रखनी चाहिए, और ग्रहों और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखा जाए तो 15 अप्रैल तक थोड़ा सा भारी समय है, और 15 अप्रैल से 15 मई तक भी हमें सावधानी रखनी है। 15 मई के बाद पूरा कोरोना वायरस की अफेक्ट दूर हो जाएगी ऐसा लग रहा है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, हस्बैंड ने बीवी को बोला कि तू मास्क क्यों नहीं पहनती है, बीवी ने बताया अगर मैं मास्क पहन लूँगी तो मैं मुंह फुला के घूम रही हूँ, वो आपको कैसे पता चलेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, थैंक यू।